सत श्री अकाल जी, माय नेम इज पूनम पवार, प्रोड्यूसर ऑफ सिकंदर। साड़ी मूवी 21 जून रिलीज़ हो रही है। साड़ी दर्शकों का यही रिक्वेस्ट है जी, प्लीज़ थिएटर च आओ, मूवी देखो, तो साड़ी मूवी नूं सराहो। जे ऑडियंस आऊगी, देखोगी, तो ही इदां दी मूवी असीं अगे होर कोशिश करांगे कि इदां दी मूवी अपने ऑडियंस तक पहुँचा सकीए। मैनू लग्या कि मैं इस विचार से फिल्म बनानी चाहिए है। ये लगभग 2009 के अखीरले जो 2 महीने ने उन्होंने मैं ये जो मिट्टी रिलीज़ हो रही थी, 2 महीने बाद फिल्म का रिलीज़ से, उस तो पहला मैं ये विचार आया। मजबूर कर देंगे। असं जिस फिल्म की शूटिंग शुरू की 4-5 दिन हुए थे, तो सानू डे नाइट न्यूज से एक शो ले बुलाया गया से, पूनम मैनू तो गौरव खान, तो उत्थे यही मसला से इधर के पास गौरव जी से जिन्हों की ओपीनियन से कि सिनेमा कमर्शियल होना चाहिए है, सिनेमा मास होना चाहिए है, सिनेमा मनोरंजन नहीं है। एक्सट्रीम इधर की व्यू पूरन की सी कि उन्होंने फर्स्ट फिल्म 4th रियो शूटिंग या 5th रियो शूटिंग मुझे याद है, उन्होंने ये व्यू से कि फिल्म च मैसेज होना चाहिए फ्रॉम डे वन। तो मैं मेरा जो थॉट प्रोसेस से वो गंभे से, मैं क्या देखो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फिल्म मनोरंजन ही बनाई जानी चाहिए है। जो तुम मनोरंजन के जरिए किसी को सोचने मजबूर कर दो वो गल वक्री है, बट सिनेमा सोशल सर्विस नहीं हैगी, सिनेमा समाज सुधार नहीं है। ए सिकंदर, ओ सिकंदर, मैं सिकंदर तू सिकंदर, हर सिकंदर लभ रहा है जित दा कोई वड्डा मंज, हर सिकंदर लभ रहा है जित दा कोई वड्डा मंज, ए सिकंदर चुक लेने जित लई हथियार। It is a social responsibility to make a change in a country. If there's something that's bothering us in a country, it is our responsibility to change it. And I think this is the perfect medium we have. People say entertainment first, and any message that comes out can be the byproduct of it. I don't know. लगता सी कि कुछ जिहड़े अदाकार सी उस तरह, मतलब जिस तरह का उन्होंने करैक्टर से वो उभर के आ नहीं सी रहा, पर एक मतलब मेरे लिए बहुत हैरानी वाली गल है कि जो उन्होंने परफॉर्म किया कैमरे के उत्ते तो वह कमाल से। फिल्म के बहुत अच्छे अच्छे करैक्टर ने, बहुत वधिया करैक्टर। सिकंदर है यारा दा यार, दिल वाला दिल दा यारा दा यार। पंजाबी पिक्चरां दी गल तां काफ़ी चिर दी हो रही है, लेकिन कदे इहो जिही पिक्चर मिली नहीं जिहड़ी मैनूं लगे कि मेरी सेंसिबिलिटी नूं मैच करदी है, मेरा टाइम दे नाल जायज़ है इहो जिही फिल्म। करैक्टर भी बहुत वायलेंट ने, पर जी जी इनहेरेंट वायलेंस साढ़े च आ चुकी है, वह क्यों है वो? मतलब फिल्म गल कर
सिकंदर है यारा दा यार, दिल वाला दिलदार, सिकंदर है यारा दा यार, दिल वाला दिलदार, यारा दा यार सिकंदर, सच्ची दिलदार सिकंदर, यारा दा यार सिकंदर, सच्ची दिलदार सिकंदर। मेरा दोस्त मेरी सहेली मेरी सहेली सारे छेड़ते चीज लिखी यार मैं कुछ भी काम किया छोटा किया वड्डा किया बहुत वड्डा किया ना किया जा मैं जिंदगी जो भी अचीवमेंट्स कीतियां कुछ भी नहीं कीतियां मैनू कदे एक्साइटमेंट नहीं पर मूवी रिलीज होने की मैनू इन्नी एक्साइटमेंट है कि मैं दस नहीं सकता। पहला सीन करन तो बाद जिहड़ा सी वो एक जो सोचा सी सोचन तो बाद जो मतलब कि सीखन नूं मिलिया करके मजा आया वो अलग तो एक टेस्ट सी एक मजा सी। माय एक्सपेक्टेशंस आर गेटिंग हायर नाउ बिफोर दे वर बियंड मतलब जिहड़ा कोई अंत नहीं वो पर्सन एक थॉट प्रोसेस है एक आइडियोलॉजी है जो आइडियोलॉजी किसी बंदे नाल एसोसिएटेड नहीं है वो मतलब उहदा अंत ही नहीं है उहदे बंदे दी बॉडी भावें खत्म हो जाए पर वो जिहड़ी आइडियोलॉजी है सिकंदर है यारा दा यार दिल वाला दिलदार सिकंदर है यारा दा यार दिल वाला दिलदार यारा दा यार सिकंदर इस मूवी विच डेब्यू किया है एज अ सिंगर हार्दिक त्रिहन ने सिकाल जी मैं हार्दिक त्रिहन मैं सिकंदर फिल्म च अपना पहला गीत डेब्यू सॉन्ग गाया गीत का नाम है मुहब्बत होप यू लाइक इट लव इट एंड कीप सपोर्टिंग 21 जून रिलीज हो गई एक बार ऑडियंस एक बार आके तो फैसला करे तो मैं कहना भी एक बार सिनेमे के अंदर आ गए ना तो बाहर निकल के किरदार निराश नहीं होंगे मेरा भी ये मानना है कि 21 जून जो आप जो ऑडियंस फिल्म देखने आती है तो उन्होंने लगेगा कि जतेंद्र मोहर ने वाकई पंजाबी सिनेमा का दौर बदली किया है तो अज तो बाद दो टाइप की फिल्म हो जी साढ़े तो पहला आई सी जिड़िया साढ़े तो बाद आई लेकिन तो जरा मेन्यू होंगे रेस्टोरेंट का जे आप जिते आप जाने उत्तर एको टाइप का खाना मिल रहा है वधिया खाना है वधिया खाना है लेकिन एको टाइप का मिल रहा है हुण तुसीं मेन्यू च एक होर टाइप ऑफ खाना ऐड कर दिता तो यह सच मैं हाल भी मानती हूँ कि यह अपनी पंजाबी ऑडियंस का टेस्ट है तो हूँ ये देखना पो कि साड़ी ऑडियंस दम है या नहीं मैं तो पूरा विश्वास है कि ऑडियंस बहुत क्षमता है अंडर चीज़ अप्रीशिएट कर मैं लगता है ऑडियंस ये टेस्ट जरूर पास करूँगी फिर मिलते 21 जून बाद